मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में थाना कोतवाली भमोरा क्षेत्र के मिलक मझारा गांव की एक छात्रा का ईंट भट्टे के पास से दो युवकों ने अपहरण कर फिर बंधक बनाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। इतने ही नहीं, दरिंदों ने छात्रा को हिमाचल प्रदेश में 50,000 रुपए में किसी अन्य युवक को बेच दिया, जिसके बाद किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से छुटकर छात्रा अपने घर पहुंची। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भमोरा थाने में शॉल से चेहरा छुपाए बैठी ये वही कक्षा 8 की छात्रा है, जिसका 15 तारीख को ईंट भट्टे के पास से अपहरण कर लिया गया था। छात्रा का आरोप है कि दो युवकों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे हिमाचल प्रदेश में 50,000 में बेच दिया गया। 4 दिनों तक छात्रा आरोपियों के चंगुल में रही और किसी तरह वहां से छुटकर ट्रेन में सवार हो गई। छात्रा को ट्रेन में एक महिला मिली, जिसको उसने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद महिला ने उसकी मदद की और चंदोसी रेलवे स्टेशन पर GRP के हवाले छात्रा को कर दिया। इसके बाद GRP ने छात्रा के परिजनों को फोन करके सूचना दी। सूचना पर छात्रा के परिजन चंदोसी पहुंचे और वहां से किशोरी को लेकर बरेली से भमोरा थाने पहुंचे। वहीं पीड़िता की तहरीर पर भमोरा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में SP क्राइम रमेश कुमार भारती का कहना है कि 15 तारीख को रेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद छात्रा को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पेश है बरेली के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। देखिए, थाना भमोरा में 15 दिसंबर को 363/66 IPC का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में आरोप लगाए गए। अपहर्ता पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। अभियुक्त भी पुलिस हिरासत में है, जिसे पूछताछ की जा रही है और जिस फ़ोन नंबर से कॉल करने के बाद इस अपराध के कारित होने की बात FIR में कही गई है, उसके संबंध में सर्विलांश की मदद लेकर बाकी पुलिस छानबीन कर रही है और गहराई से उसकी विवेचना कर रही है। घटना हो गई जो आज थाने आए आप, 10 तारीख को लड़की गायब हो गई थी, फिर चाँदपुर चौकी का वो इतला की थी, फिर वो जो है आप आस पास ढूंढो, ठीक, फिर रिश्तेदार टटोलो, फिर आज क्या हुआ कि तहरीर अभी लिखा देना, आज से 3-4 दिन में तहरीर लिखने को बोला था आपने। हाँ, तो क्या हुआ फिर, आपने लिखी क्यों नहीं? लोगों ने मना कर दिया। क्या हुआ था फिर? दरोगा ने मना किया था। फिर क्या, ये बात हुई थी। फिर आज क्यों आए हो थाने? आज इसलिए आए कि लड़की मिल गई थी। फिर क्या हुआ? फिर आज भी जो है यही कोई तरीन अब गुमराह कर रहे हैं, फिर लिखवा देना कि वो लड़की शादी नहीं होगी, ये होगी। अभी जो घटना हुई उसके विषय में बताए हैं कि मेरे माध्यम से लिखवाओ, ऐसा बोला। हाँ, माध्यम मतलब कि पुलिस के खिलाफ लिखाना है, पुलिस के खिलाफ लिखाना। क्या हुआ आपकी लड़की के बारे मतलब साथ? 50,000 रुपए में बेची थी हिमाचल। किसने? लाभार्थी पता नहीं है। अच्छा, ये किसके जिम्मेदार मानते हो आप इस घटना का? पुलिस को। क्यों? पुलिस ने आज भी कहा था वो धमका रहे थे। कौन धमका रहा था? पुलिस वाले। कौन? दरोगा जी। कहाँ के दरोगा जी? थाना भमोरा, सरदार नगर चौक। अच्छा, फिर आप डर गए क्या? डर का हमने की है, बोलवा नहीं है, हम जो आप लड़की पेश कर देंगे ऊपर।